हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। 13 अक्टूबर की सबसे बड़ी खुशखबरी राजस्थान पटवारी के छात्रों के लिए। हमारे जितने भी राजस्थान पटवारी के छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दें पटवारी परीक्षा पर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा फैसला लिया गया है। अभी अभी आप लोगों को पता होगा, हाल ही में कई सारे एग्ज़ाम रद्द हुए हैं और सभी एग्ज़ामों को दोबारा कंडक्ट कराया जा रहा है। ऐसे में पटवारी के एग्ज़ाम पर एक काफ़ी बड़ा चेंजमेंट आ रहा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी अपडेट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे भी आप सभी को राजस्थान पटवारी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी राजस्थान पटवारी एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज भर्ती बोर्ड ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है, बड़ी राहत। RSM SSP पटवारी भर्ती परीक्षा के कारण जो राजस्थान बिजली विभाग की जो आपकी परीक्षाएं थी, इनकी तिथियां बदल दी जा चुकी हैं। आपको बता दें, सबसे पहले अपडेट जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि राजस्थान भर्ती की जो परीक्षा है इसको फिर से पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान पटवारी की जो परीक्षा तिथि है ये आपकी बिजली विभाग में वैकेंसी निकली थी RVUNL की, ठीक है। इस भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम डेट से टकरा रही, तो दोस्तों यहाँ पर पटवारी की परीक्षा को नहीं पोस्टपोन किया गया है, जबकि बिजली विभाग की जो वैकेंसी आई थी इसके एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। ये 13 अक्टूबर की अपडेट है, यानी कि आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। अब आप सभी की जो राजस्थान पटवारी की परीक्षा है ये आप लोगों की समय से होंगी, और हमारे जितने भी छात्र हैं जो राजस्थान पटवारी के ये मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम को आगे बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा, तो सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर सरकार ने आज दे दिया है, ठीक है। उम्मीदवारों को अहम जानकारी दी है और इन दोनों बताते हैं यहाँ पर आप लोगों को, आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है 23 अक्टूबर को नहीं किया जाएगा, क्योंकि धौल इन दोनों ज़िलों में, ठीक है, धौलपुर और अलवर जिले में जो है 23 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जबकि जितने अन्य ज़िले हैं वहाँ पे आप लोगों का एग्ज़ाम जो है एज इट इज़ होने वाला है 23 और 24 को। तो काफ़ी बड़ी अपडेट थी, आप लोगों को बता दें यहाँ पे आपकी पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है और काफ़ी बड़ी अपडेट है इसमें भी, ठीक है। काफ़ी बड़े